कहते हैं आपके यूट्यूब चैनल पे नॉइज पे। इनफीम का शेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 रुपीज के आसपास चल रहा है। इनफीम का शेयर में बोल सकते कि जो एक रिटर्न बनाया है कुछ दिन में, जहां पे शेयर का प्राइस जो है 32.05 पैसे 32 रुपीज के आसपास चल रहा है कुछ दिन से। तो क्या इनफीम का शेयर यहाँ से रिटर्न दे सकता है? देखिए इनफीम को लेके देखेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का मानना है कि ये जो कंपनी है, इसका बिजनेस या फिर बोल सकते ये जो शेयर है इनफीम का, यहाँ पे आगे चल के अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। देखिए कंपनी का इन्फीबीम का देखेंगे तो इसमें जो है बहुत सारे मतलब इसका बिजनेस जो है जो कि पेमेंट गेटवे को लेके, और इसने जो है अभी टैप पे का जो है, टैप पे का भी बिजनेस इसका है जो कि 2024 तक मतलब बताया जा रहा है कि कंपनी का जो टैप पे का कस्टमर्स है वो मिलियंस में आएगा, मतलब बहुत सारे इसका जो कस्टमर्स हो सकता है 2024 तक। तो अभी कंपनी का देखेंगे तो टैप पे का भी जो बिजनेस है जहां से इसको अच्छा खासा ही रेवेन्यू आ रहा है। अभी इन्फीबीम का जो पेमेंट गेटवे का बिजनेस है उसमें से देखते तो उसमें से भी कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। अभी पेमेंट गेटवे का बिजनेस है जैसे कि Q4 24 का जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी ने शेयर किया है, जहां पे मतलब जो प्रमोटर्स उनका कहना है कि पेमेंट गेटवे के बिजनेस आगे चल के अच्छा खासा जो है इसको मतलब बहुत सारी मुनाफा वगैरह जो है या फिर प्रॉफिट वगैरह आ सकता है। अभी जो पेमेंट गेटवे का बिजनेस उसमें से देखेंगे तो बहुत सारे इसने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी किया है। फिलहाल शेयर का प्राइस उतना ज्यादा रिटर्न नहीं बना रहा है दोस्तों। अगर देखते हैं आप तो इन्फीम का जो शेयर है, जो इसका हाई प्राइस है जो कि लगभग 41 या 42 रुपीज के आसपास इसने एक हाई प्राइस बनाया, उससे बहुत ज्यादा नीचे इन्फीम का शेयर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स रहेगा जिन लोगों ने ज्यादा प्राइस में इन्फीम के शेयर में खरीदारी करके रखा है। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए इन्फीम के शेयर में, टेक्निकली इन्फीम का शेयर कैसा है, कंपनी यहाँ पे क्या कर रहा है, इन्फीम का कैसा है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोइश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। 1.6% डाउन हुआ है। वही दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एक हफ्ते में 4.3% रिटर्न दिया है इन्फीम के शेयर ने, और यहाँ पे देख सकते हैं 1 मंथ में देखेंगे तो 2.4% के आसपास जो शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। तो इन्फीम के शेयर कुछ दिन में देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त जो है एक बोल सकते जो डाउन हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए इन्फीम का जो ड्यूरेबिलिटी है जो कि 45 है आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन की बात करते 39.70 है आउट ऑफ 100, मोइन इंडिया की बात करते हैं 55.9 की है आउट ऑफ 100 दोस्तों। तो अभी यहाँ पे इन्फीम इनकम शेयर जो है मतलब यहाँ पे 1 मंथ में देखेंगे तो 1 मंथ में ये जो शेयर है इन्फीम का जो शेयर है जहाँ पे बोल सकते हैं इससे जो 1 मंथ में एक हाई प्राइस बनाया है जो कि 33.20 पैसे का है, और जो लो प्राइस बनाया है 1 मंथ में 25.25 पैसे का है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते जो 1 मंथ का हाई प्राइस है 33.20 पैसा, उससे नीचे शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे इन्फीम के शेयर में अभी अगर कोई खरीदारी करता है 32 रुपीज के आसपास शेयर चल रहा है तो यहाँ पे फिलहाल बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखना चाहिए इन्फीम के शेयर में, ऐसा हमें लगता है। इन्फीम के शेयर ने जो एक हाई प्राइस बनाया है 33.20 पैसे का, और जो लो प्राइस बनाया है 30.75 पैसे का है दोस्तों। तो अभी आप इन्फीम के शेयर में बोल सकते इसे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्फीम का जो की 8,930.2 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों। अभी आप देखिए इन्फीम को लेके जैसे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे ज्यादा प्राइस में खरीदारी करके रखा है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लगता है कि हो सकता है कि ये शेयर आगे चल के अच्छा खासा रिटर्न दे, आगे चल के ये शेयर अच्छा खासा रिटर्न बना सकता है, आगे चल के ये शेयर जो है अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो इन्फीम के शेयर जो है शेयर का प्राइस जितना बहुत डाउन चल रहा है अभी यहाँ पे मतलब डाउन हो रहा है इन्फीम के शेयर का प्राइस। अभी यहाँ पे टेक्निकली बात करते हैं इन्फीम का जो शेयर एक न्यूट्रल लेवल यहाँ पे बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। आने से इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है, मैकडी इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है एक बेयरिश लेवल यहाँ पे बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इन्फीम का शेयर जो है टेक्निकली उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि प्रोमोटर जो है प्रोमोटर्स ने बहुत सारे स्टेक रिड्यूस किया है इन्फीम में, 28.13% का स्टेक था प्रोमोटर्स के पास, प्रोमोटर्स ने जो स्टेक रिड्यूस करके 27.43% का स्टेक किया है। एफआईएस के पास बात करते 7.51% का स्टेक है। तो अभी फिलहाल जो है प्रोमोटर्स के पास 27.43% का स्टेक है, एफआईएस के पास 7.51% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 0.08% का स्टेक है, अदर जो इंस्टीट्यूशन है उनके पास 0.01% का स्टेक है, पब्लिक के पास 64.55% का स्टेक है इन्फीम का। कंपनी को लेकर बात करते हैं इन्फीम का दोस्तों, जहां पे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,930 करोड़ के आसपास है, शेयर का प्राइस जो है अभी 32.10 पैसे के आसपास चल रहा है। अभी जो इसका हाई प्राइस है देखिए 52 का जो हाई प्राइस बनाया है इन्फीम के शेयर में 42.50 पैसे का, और जो लो प्राइस बनाया है 13.70 पैसे का। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 52 के हाई प्राइस से इन्फीम का शेयर बहुत ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी की बात करते हैं 57.20 पैसे का है, बुक वैल्यू जो है 12.40 पैसे के आसपास का है। तो अभी यहाँ पे इन्फीम का जो शेयर है
मतलब यहाँ पे देखते हैं तो इसका देखिए कंपनी जो है इन्फीबीम जो है जो कि एक डेट फ्री कंपनी है, इन्फीबीम जो है एक ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है। कंपनी जो है हो सकता है कि आगे जो तब इसका क्वार्टरली जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कंपनी शेयर करे तो आप एक अच्छा खासा कंपनी जो है बोल सकते कि जो इसका प्रॉफिट वगैरह जनरेट हो सकता है। इसका सेल्स का देखते हैं इन्फीबीम का जो कि पिछले 10 साल में सेल्स जो है 38.1% इंक्रीज हुआ है दोस्तों। अभी देखिए इन्फीबीम का जो शेयर है, इन्फीबीम का जो शेयर का प्राइस है जो कि 32 रुपीज के आसपास जो चल रहा है, जहां पे देख सकते हैं ये जो शेयर का प्राइस है जो इसका बुक वैल्यू है उसे 2.62 टाइम्स में जो है हाई प्राइस में चल रहा है। मतलब इन्फीबीम का शेयर का प्राइस अभी इसके बुक वैल्यू से 2.62 टाइम्स में जो है हाई प्राइस में चल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है डिक्रीज किया है 0.70% के आसपास। प्रोमोटर होल्डिंग जो है लो है 27.4%। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 3.92% ओवर जो है यहाँ पे पिछले 3 साल से। तो अभी यहाँ पे कंपनी जो है इन्फीबीम को देखेंगे तो मतलब बोल सकते कि कंपनी डेट फ्री है। शेयर को लेके मतलब देख सकते हैं कि शेयर का प्राइस जो है थोड़ा ज्यादा प्राइस में चल रहा है। इन्फीबीम का जो शेयर का प्राइस है थोड़ा ज्यादा प्राइस में चल रहा है। अभी यहाँ पे दोस्तों कंपनी को मतलब इसका जो बोल सकते सीसी एवेन्यू का जो बिजनेस है, जैसे कि सीसी एवेन्यू का जो है लगभग 250 यूनिक पेमेंट ऑप्शंस जो इंडिया में है इसका, एंड प्रोसेसिंग पेमेंट जो है अक्रॉस 27 इंटरनेशनल करेंसीज में जो इसका बिजनेस है। एंड यहाँ पे मतलब इसका जो बिजनेस है जहाँ पे बोल सकते कि एक इन्फीबीम का जो बिजनेस है जहाँ पे बोल सकते कि इसका जो है बिजनेस इन्फीबीम का कंपनी का जो सीसी एवेन्यू का बिजनेस है जो कि पेमेंट गेटवे का है जो कि 250 यूनिक पेमेंट्स ऑप्शन इंडिया में ये प्रोवाइड करता है। 27 इंटरनेशनल करेंसीज ये प्रोवाइड करता है जहां पे एनेबल ऑनलाइन एंड मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशन जो है इसका। इन्फीबीम जो यहाँ पे बोल सकते कि वेरियस प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है कंपनी। जो सॉफ्टवेयर का बिजनेस है इसका उसमें देखेंगे तो इसमें भी जो अच्छा खासा इसका बोल सकते कि कस्टमर्स वगैरह है। अभी इसका जो बिजनेस है इन्फीबीम का दोस्तों, इन्फीबीम का बिजनेस देख सकते हैं जो कि मर्चेंट सेंट्रिक बिजनेस मॉडल है, बैंक सेंट्रिक बिजनेस मॉडल है। तो अभी यहाँ पे कंपनी का जो बोल सकते इंडिया का एक बोल सकते कि लीडिंग डिजिटल पेमेंट कंपनी है इन्फीबीम। तो अभी यहाँ पे इसका जो पेमेंट गेटवे का बिजनेस है उसको लेके मतलब जैसे कि Q4 24 में इसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी ने शेयर किया है, जहां पे कंपनी का कहना है कि इसका जो मतलब पेमेंट गेटवे का बिजनेस है वहां से आगे चल के अच्छा खासा इसको जो है मुनाफा वगैरह प्रॉफिट वगैरह हो सकता है। अभी कंपनी का सेल्स को लेके बात करते हैं जो Q4 24 में कंपनी ने बोल सकते जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। देखिए शेयर का प्राइस अभी डाउन चल रहा है, जो Q4 24 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी ने शेयर किया है जहाँ पे कंपनी को उतना ज्यादा प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ है। अभी सेल्स की बात करते हैं दोस्तों, देख सकते जो सेल्स है इन्फीबीम का 912 करोड़ से रिड्यूस होके 727 करोड़ हुआ है Q4 24 में। एंड एक्सपेंसेस की बात करते 845 करोड़ से जो है रिड्यूस होके 662 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 67 करोड़ से रिड्यूस होके 65 करोड़ हुआ है। तो कंपनी का कुछ खास प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ है इन्फीबीम का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं 55 करोड़ से जो है यहाँ पे इंक्रीज होके 62 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 41 करोड़ से इंक्रीज होके 49 करोड़ हुआ है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे मतलब इन्फीबीम के शेयर को लेके जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, टेक्निकली शेयर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। शेयर का प्राइस 30 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है जो कि 52 के हाई प्राइस से बहुत ज्यादा नीचे शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे कंपनी जो है एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। फिलहाल यहाँ पे अगर कोई शेयर खरीदता है तो बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखना चाहिए। किसी ने अगर ज्यादा प्राइस में शेयर में खरीदारी करके रखा है तो हमें लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करेंगे तो हो सकता है कि आगे चल के शेयर में अच्छा खासा एक रिटर्न वगैरह देखने को मिले। आपको कैसा लगता है दोस्तों इन्फीबीम का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोविच को सब्सक्राइब नहीं किया